अच्छा, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेलिब्रिटी आपको ये बोलता है कि आपको सप्लीमेंट्स नहीं खाने चाहिए, ओके, विच इज़ गुड, सप्लीमेंट्स नहीं खाने चाहिए. सप्लीमेंट्स का बेसिक मीनिंग होता है कि जो आपको आपकी नेचुरल डाइट से नहीं मिल सकता, राइट तो आप तब उस चीज़ को सप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो विटामिंस का हो, चाहे वो मिनरल्स का हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो फैट्स हो, तो आप सप्लीमेंट करते हैं, ओके. डॉक्टर्स भी इनको रिकमेंड करते हैं टू पीपल जिनकी बॉडी में नेचुरल डिफिशेंसी होती है, ओके. एथलीट्स कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो एक्सपेंड करते हैं, वो जितनी एक्सरसाइज करते हैं उतना वो एक्सक्रीट आउट भी करते हैं पसीने में, सो दे रिक्वायर दी सप्लीमेंट्स. बट यू एज एन इंडिविजुअल हु इज यू नो डूइंग सम मॉडरेट एक्टिविटी, क्या उसको इस चीज़ की जरूरत है? मे बी और मे बी नॉट, ओके. सो हु इज द बेस्ट पर्सन हु कैन गिव यू दिस एडवाइस? दीज आर लाइसेंस्ड फिजिशियंस, दीज आर पीपल हु हैव बीन ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यू विद अ प्रिस्क्रिप्शन, ओके. Not even as a personal trainer. Personal trainers cannot give you, you know, suggestions on supplements and all those things. ओके, मे बी आपकी बॉडी में उस चीज़ की कमी ना हो, अगर अगर है उस चीज़ की कमी तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके उस सप्लीमेंट को लेना चाहिए. अगर उस चीज़ का आप ज़्यादा ओवर कंज्यूम करते हैं, इट लीड्स टू टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, आपकी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है.